नमस्कार, मैं अंकित कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं फसल सलाह के इस YouTube चैनल में। आज लेकर के आ गया हूं मैं मंडी भाव। तो देखते हैं कैसा रहा है बाजार और क्या रहा है भाव। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धान की। तो धान में कोटकापुरा में 11-21 के जो भाव रहे हैं, धान में जो कोटकापुरा के भाव है 11-21 के 4450 से 4650 रुपए है। मुकदसर में वही भाव 17-18 के 4610 रुपए। अमृतसर 15 जिलों के भाव 4100 रुपए। कैथल बासमती का भाव है 4400। बूंदी 17-18 का भाव है 3850 से 4191 रुपए। लोहाना में 15-09 का भाव है 3830 रुपए। सिरसा में 14-01 का भाव है 4897 रुपए। नरेला में 11-21 का भाव है 4425 रुपए। इसके बाद हम मकई का बात कर लेते हैं। तो कठवाड़ा में जो मकई का भाव है वह है 2230, गोहाना में 2400, छिंदवाड़ा में 1950 से 2100, हैदराबाद में 2300 से 2325 रुपए, हरियाणा में 2375 से 2400, सांगली में 2300 से 2350 रुपए, पंजाब में 2350 से 2375 रुपए, शिरूर में भाव है 2340 रुपए और सितारगंज में जो भाव है वो 2275 रुपए है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गेहूं की। तो गेहूं में भुवनेश्वर में जो भाव है वो है 2270 रुपए, खन्ना में 2250, सिरसा में 2150 रुपए, गोरखपुर में 2200 रुपए, छिंदवाड़ा में 2290 से 2400 रुपए, नरेला में 3360 से 2451 रुपए, डबरा में 2250 रुपए, बूंदी में 2200 से 2300 रुपए, राजकोट के मिलवर का भाव है 2150 रुपए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सरसों की। तो सरसों में जो मोदीनगर में भाव है 2721 रुपए, मथुरा में 2581 रुपए, आगरा में 2551, जयपुर में 2501, गाजियाबाद में 2621, भरतपुर में 2581, अलवर में 2551, कोटा में 4500 से 5000 रुपए, मुरैना पुरानी का जो भाव है 4900 रुपए और दिल्ली में 5450 रुपए भाव चल रहे हैं। तो ये थे कुछ प्रमुख मंडियों के भाव। ऐसे ही आपको और भी मंडियों के भाव जानने हैं तो हमारे फसल सलाह का ऐप को डाउनलोड करें। उसमें आपको सभी कृषि समस्याओं का समाधान, अगले 10 दिनों के मौसम की जानकारी, सभी मंडियों के ताजा भाव, 24 घंटे अपने सवाल और किस राज्य में कौन सी सरकारी योजनाएं चल रही है, इस तरह की सारी जानकारी आपको मिलती है। अगर आपको हमसे ऐप में कोई परेशानी होती तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर फोन या व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।